नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेरक और आप देख रहे हैं मेरा टेक्नोलॉजी न्यूज चैनल टेक्नोडेट। आपको पता होगा ये वीक में काफी सारे मोबाइल लॉन्च हुए। Xiaomi ने मोबाइल लॉन्च किया, Realme ने लॉन्च किया। तो Realme का बात करें तो Realme 5 और Realme 5 Pro ये वीक में इंट्रोड्यूस हुआ। Realme 5 जो है वो 27th अगस्त से सेल में जा रहा है और Realme 5 Pro जो है वो सितंबर का जो फर्स्ट वीक है उसमें इंट्रोड्यूस होने जा रहा है मार्केट में। Flipkart से ये फोन अवेलेबल होगा। और जो MI सीरीज का MI A2 का सक्सेसर जो है MI A3 वो भी ये वीक में लॉन्च हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं Realme सीरीज के मोबाइल से। Realme 5 जो है वो कैमरा सेंट्रिक मोबाइल है। अगेन जैसा कि आपको पता होगा Realme ओप्पो वीवो का सब्सिडियरी। सो Realme 5 जो है वो क्वाड कैमरा मोबाइल है उसमें, और Realme 5 Pro में कैमरा में एक सिर्फ प्राइमरी कैमरा का डिफरेंस है। तो Realme 5 में जो है वो स्नैपड्रैगन का 665 AIE यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन वाला प्रोसेसर रहेगा, ऑक्टाकोर प्रोसेसर रहेगा और 4GB और 6GB रैम के वेरिएंट में अवेलेबल होगा। 4GB जो रैम है उसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो करीब 9999 यानी कि 10,000 में आपको मिलेगा। ये जो है वो 27 अगस्त में Flipkart में लॉन्च हो रहा है। अगेन अगर Realme 5 Pro का बात करें तो उसमें Sony IMX का जो Realme X में जो आपको कैमरा का सेंसर मिल रहा है वो सेम सेंसर IMX 5/6 जो सेंसर है वो Redmi Note 7 Pro और OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro में भी आपको सेम सेंसर देखने को मिलता है। वो सेम 5/6 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो सेंसर आपको Realme 5 Pro में देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगेन 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल यानी कि क्वाड कैमरा, 4 कैमरा रहेंगे आपके Realme में। जो कैमरा रहेगा वो क्वाड कैमरा रहेगा और जो सेल्फी कैमरा है वो Realme 5 में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और Realme 5 Pro में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करें प्रोसेसर का तो उसमें स्नैपड्रैगन 712 सीरीज का प्रोसेसर है जो अगेन ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और जो 710 रियलमी एक्स में मिलता था उसका एक हायर वेरिएंट है जो 10% परफॉर्मेंस ऑप्टिमम करेगा। लेकिन ये सिर्फ आई थिंक गेम में थोड़ा बहुत पता चलेगा, अदरवाइज 710 और 712 में ज्यादा कुछ प्रोसेसर का परफॉर्मेंस में फर्क आपको नजर नहीं आएगा। अगेन रियलमी एक्स और रियलमी 5 प्रो का अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो रियलमी एक्स में आप 4GB का रैम जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो 17,000 में मिलेगा, OLED स्क्रीन मिलेगा, जबकि ये Realme 5 Pro Pro में IPS LCD स्क्रीन मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोसेसर, जैसा मैं बताया 710 Realme X में है, 712 Realme 5 Pro में है और क्वाड कैमरा आपको Realme 5 Pro में मिलता है, Realme X में सिर्फ आपको ड्यूअल कैमरा मिलेगा। सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा जो है दोनों में 16 मेगापिक्सल का है लेकिन Realme X में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है और Realme 5 Pro में आपको पंच होल वाला कैमरा मिलता है और वो उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 89.9 एस्पेक्ट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। तो 6.5 इंच का ये फोन है, सो साइज में भी ये काफी बड़ा है और Redmi Note 6 Pro जो है उससे भी थोड़ा विड्थ में बड़ा है। सो शायद आपको एक हाथ से काम करने में थोड़ा सा, अगर आपका हाथ इतना बड़ा नहीं है तो शायद थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रोसेसर और कैमरा है अमेजिंग है। Realme 5 में भी आप Google का जो GCam है वो इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन कितना एफिशिएंट है वो पता नहीं है दोस्तों। उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। और Realme 5 Pro में ऑफिशियली Realme की साइट से Google कैमरा का ऑप्शन है जो आपको नाइट में जो सेम जो Google Pixel जो सीरीज के फोन है वो सेम कैमरा का API आपको मिल जाता है, तो नाइट के ब्यूटीफुल शॉट्स आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हुआ Realme 5 और Realme 5 Pro अपकमिंग Flipkart में अवेलेबल होने वाले फोन का बात। नेक्स्ट बात करें MI A3 जो अगेन 665 AIE सीरीज का जो प्रोसेसर है वो ये Amazon में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है yesterday। AMOLED डिस्प्ले, 720 डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले नहीं है। 12,999 का MI A3 4GB 64GB का जो वेरिएंट है उसका प्राइस Amazon में अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो उसमें आपको 750 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। जैसे बताया 665 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा, 12,200 के आसपास आपको ये फोन
अमेजोन में मिल जाएगा। उसमें भी जो प्राइमरी कैमरा है, जैसे मैंने बताया 48 मेगापिक्सल का है, उसमें क्वाड कैमरा नहीं है, थ्री कैमराज है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, MH586 का, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर है, जो पोर्ट्रेट शॉट्स लेने के लिए आपको काम में आएगा। दोस्तों उसके अलावा अगर फ्रंट कैमरा का बात करें तो उसमें 32 मेगापिक्सल का फुल HD कैमरा है और अगेन Xiaomi का जो MI A3 है उसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों में आपको स्टेबिलाइजेशन मिलता है। ऑफ कोर्स फ्रंट कैमरा में स्टेबिलाइजेशन है वो उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन जो बैक कैमरा है उसमें जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन आपको मिलता है वो काफी अच्छा है। Xiaomi के जो अभी रेंडर लीक हुए हैं उसके हिसाब से Xiaomi का Redmi 8 और Redmi 8 Pro चाइना में लॉन्च हुआ, उसमें जो प्रोसेसर है वो Helio सीरीज का G90T सीरीज का प्रोसेसर है, जो गेम सेंट्रिक प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर जो है वो आपको बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देने वाला है। दोस्तों बिकॉज गेम जब आप खेलते हैं तो फोन काफी सारा हीटअप होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए Xiaomi ने एक लिक्विड कूलिंग सिस्टम का डिजाइन किया हुआ है। उसमें रैम भी काफी अच्छा होने वाला है और दिस गेम सेंट्रिक फोन सो वेरी ऑप्टिमम आपको गेम का परफॉर्मेंस मिलेगा। और अगेन एज पर द लीक ये क्वाड कैमरा सेटअप रहेगा, प्राइमरी कैमरा जो रहेगा वो 64 मेगापिक्सल का रहेगा। Realme में भी जो Realme X है उसका बड़ा भाई Realme XT आपको मिलेगा, वो भी 64 मेगापिक्सल का कैमरा के साथ मिलेगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीक विद लेटेस्ट मोर टेक्नोलॉजी अपडेट। टिल देन गाइस टेक केयर एंड